डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी, उसके अलावा हमें ये बताना है कि कौन कौन से रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट है 327 अपॉन में क्या है 125 है। हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है, इसके प्राइम फैक्टर करो पहले तो, या ऐसे लिखो द डिनोमिनेटर ऑफ थ्री ट्वेंटी सेवन अपॉन 125 इज 125। तो 125 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया भाई, जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या हैं, 5 है, 5 थ्री टाइम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज 5 थ्री टाइम्स, ठीक है। तो देयर फोर 327 अपॉन 125 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे इसको। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है इसका, देखिए क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उन्हीं रेशनल नंबर्स का होता है जिन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर या तो 5 हो या 2 हो या 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो उनका हम टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है, देखिए 99 अपॉन में क्या है 800। तो 800 के प्राइम फैक्टर कर लो, देखो 2 पे डिवाइड होता है, 2 4 जाए 200 200 फिर 2 पे 2 2 जा 400 200 2 पे 2 1 जा 2 200 200 फिर 2 पे 2 5 जा 10 200 फिर 2 पे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 फिर 5 पे 5 5 जा 25 फिर 5 पे 5 1 जा 5। तो क्या लिखेंगे हम, द डिनोमिनेटर ऑफ ₹99/800 is ₹800। तो 800 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, यानी 2 4 5 टाइम है और 5 क्या है 2 टाइम। द फैक्टर्स ऑफ 800 आर 2 5, तो 2 और 5 की फॉर्म में है। तो देयर फोर 99 अपॉन 800 हैज ए, क्या लिखेंगे, हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट आता है 17 अपॉन 1250। तो देखिए 17 अपॉन 1250, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1250 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, ये 5 पे करो, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 500, फिर 5 पे 5 5 जा 25, 500, फिर 5 पे 5 1 जा 5, 500, फिर 5 पे 5 2 जा 10, फिर 2 पे 2 1 जा 2। तो देखिए लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ 17/1250 इज 1250। तो 1250 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2,
फोर टाइम फाइव है और एक टू, तो द फैक्टर्स ऑफ लिखेंगे 1, 2, 5, 0 आर 5 एंड 2 की फॉर्म में है, 5 और 2 की फॉर्म में है ओनली, तो देयर फोर 17/1250 हैज ए, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद आता है इसका फोर्थ पार्ट, देखिए। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, 29 बाई क्या है, 200। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम उसी तरह से जो 200 है इसके प्राइम फैक्टर कर लो पहले, डिनोमिनेटर 2 पे गया, 2 वन 2, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 पे 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 पे 5 5 जा 25, फिर 5 पे 5 1 जा 5, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। तो सबसे पहले तो लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ 29/200 इज 200। तो 200 के प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किए हैं क्या, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 200 आर 2 एंड 5, क्या है, 2 एंड 5, ठीक है। तो 2 और 5 की फॉर्म में हो गया, तो देयर फोर 29/200 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट आता है। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, 135/1625। तो देखो इसको, 135/1625। अब देखिए ऊपर दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनमें एक कॉमन फैक्टर है, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। देखो पहले इसको 5 पे डिवाइड कर लो, क्या है, 5 से कैंसिल करो इसको, 5 टू द 10 कितना बच गया, 3 5 7 द 35, 5 पे इसको कर लो डिवाइड, 5 3 द 15 1 बच गया, 5 टू द 10 फिर 2 बच गए, 5 5 द 25। अब ये किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो ये इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म आ गई, 27/3 25, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर अलग कर दिया हमने दोनों का, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ 27/3 25 इज 325। तो 325 के प्राइम फैक्टर कर लो, 5 पे कैंसिल होता है ये, 5 6 द 35, 30, 2 बच गया, 5 5 द 25, फिर 5 पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 13 पे 13 1 जा 13, तो ये हमारे पास आ गए 325 के प्राइम फैक्टर, 5 इंटू 5 इंटू 13। तो क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 325 आर 5 एंड 13। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वन ऑफ द फैक्टर इज अदर देन 2 एंड 5। ये 13 आ गया ना, ठीक है। तो ये जो एक फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा है, अदर देन 2 एंड 5। तो
क्या कहेंगे इसको? देयरफॉर 135 अपॉन 1625 विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है उसके प्राइम फैक्टर 2 या 5 या 2 एंड 5 दोनों, इसके अलावा कोई नंबर आता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फॉर्म देखनी है पहले तो हमें उसकी। अब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं थी तो हमने जो कॉमन फैक्टर था उसको निकाल दिया इसमें से, ठीक है। 5 पे दोनों डिवाइड होते हैं, 5 निकाल दिया हमने, तो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। अब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म का डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर 325 है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ गए हमारे पास? 5 × 5 × 13 आ गए। तो ये जो प्राइम फैक्टर हैं 325 के, 5 एंड 13 की फॉर्म में आ गए, यानी 5 × 5 × 13। तो ये जो फैक्टर है, एक फैक्टर, ये 2 और 5 के अलावा है। वन ऑफ द फैक्टर इज अदर देन 2 एंड 5, ये लिख देंगे। तो देयर फोर 135 अपॉन 1625 विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है सिक्स पार्ट है, देखिए। अब सिक्स पार्ट में क्या है, 1276 अपॉन में क्या है, 680। तो इसको हमने बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो सकता है, ठीक है, या नहीं। तो देखिए इसको, अब देखिए ये दोनों नंबर जो हैं, 1276 और 680, इनका भी एक कॉमन फैक्टर है, दोनों एक कॉमन नंबर पे डिवाइड हो रही हैं। देखिए कैसे हो रही हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं दोनों, कर दीजिए 2 6 द 12, 7 बच गया, 2 3 द 6, 1 बच गया, 2 8 द 16, फिर 2 पे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 0। अब फिर ये 2 पे डिवाइड होते हैं, करो इनको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 0 0। अब ये किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं, देखिए करके देखेंगे इसको। तो अब ये इसकी हमारे पास स्मॉलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, 319 अपॉन 170। अब देखिए 170 के प्राइम फैक्टर कर लो, डिनोमिनेटर के 2 पे डिवाइड होता है, 2 6 द 2 8 द 16, 2 5 द, फिर 5 पे होता है, 5 1 द 5, 7 द 35, फिर 17 पे होता है, 17 1 द 17। तो इसमें लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ 319 अपॉन 170 इज 170। तो 170 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 × 5 × 17 आ गए, यही आएंगे। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है, लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 170 आर 2, 5 एंड 17। तो वन ऑफ द फैक्टर क्या लिखेंगे, वन ऑफ द फैक्टर इज अदर देन 2 एंड 5, देयरफॉर 1276 अपॉन 680 विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से ये सॉल्व कर देंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है सेवंथ पार्ट है इसका, देखिए। अब देखिए सेवंथ पार्ट में 22 अपॉन 190 है,
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से 22/190 ये लिख लिया हमने। तो अब ये दोनों कॉमन नंबर पे डिवाइड होते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 5 द 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 11/95 स्मॉलेस्ट फॉर्म आ गई। तो क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ इलेवन बाई 95 इज 95। तो 95 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे, देखो 95 के प्राइम फैक्टर करो, 5 पे डिवाइड होता है, 5 1 द 5, 5 9 द 45, फिर 19 पे 19 1 द 19, तो क्या आ गया हमारे पास 5 × 19 आ गया। तो क्या लिखेंगे, उसी तरह से द प्राइम फैक्टर जो नाइन्टी फाइव आर 5 एंड 19। तो क्या लिखेंगे इसमें, उसी तरह से वन ऑफ द फैक्टर इज अदर देन 2 एंड 5। तो देयर फोर 22/190 विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद एट्थ पार्ट आता है, देखिए। तो एट्थ पार्ट में क्या है, 11/750 है। तो देखिए ये लिखेंगे हम 11/750। अब ये किसी टेबल पे आपस में नहीं कैंसिल होते ना, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ 11/750 इज 750। तो 750 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इस पे डिवाइड होता है ये 2 पे, 2 2 द 4 और 2 3 द 6, 2 7 द 14, 2 5 द 10। अब फिर किस पे होता है ये, 5 पे होता है, 5 5 7 द 35, 2 बच गए, 5 5 द 25, फिर 5 पे होता है, 5 1 द 5, 5 5 द 25, फिर 5 पे होता है, 5 3 जा 15, फिर 3 पे होता है, 3 1 जा 3। तो अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए, तो क्या लिखेंगे, 750 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 × 5 × 5 × 5 × 3। तो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 750 आर 2, 5 एंड 3 की फॉर्म में। तो वन ऑफ द फैक्टर इज अदर देन 2 एंड 5। ये देखो 3 है, तो 3 2 और 5 के अलावा है। तो देयर फोर 11/750 विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।